पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में भोजपुरी गायक रंजन शर्मा की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने पहले रंजन शर्मा के साथ मारपीट की, फिर गला दबाकर मार डाला। मंगलवार सुबह उनका शव मिला है। रंजन शर्मा यूट्यूब और स्टेज शो में भोजपुरी गीत गाते थे, अपने परिवार में इकलौते थे। खबरों के मुताबिक रंजन को कुछ लोग सोमवार रात घर से बुलाकर ले गए थे, वो रात में नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो मंगलवार सुबह उनका शव मिला। परिजनों और गांव के लोगों ने हत्या के विरोध में शव रखकर NH-98 को जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही परिजनों में स्थानीय लोगों के खिलाफ भी गुस्सा है। वहीं रंजन के पिता सुनील सिंह का कहना है कि मेरे बेटे की हत्या गांव के अरुण कुमार ने कराई है, उसने 10 दिन पहले ही फोन कर धमकी दी थी। हम लोगों ने थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। साथ ही कहना है कि अरुण मिलिट्री में है और वो इन दिनों ड्यूटी पर है, उसने अपने रिश्तेदार से मेरे बेटे की हत्या कराई है। न्यूज डेस्क।